खुद रहे के नाए, हमसे कर्मी बहुत ही गुर तुमसे दाता नाए, तुमसे दाता नाए प्रभु भरोसो मुको भारी। अरे निसदर धर रे ध्यान अरज मेरे लीजो कृष्ण मुरारी। तो सोवत हो तो जागियो और जागत हो मुख बोल, मैया ना हर बारी मेरी बजुर किवारे खोल। हाँ तो मेरे प्रिय सजनों, त्रिमूर्ति कैस्ट के माध्यम से मैं आपके समक्ष रामायण का प्रोग्राम जटायु उद्धार कहने के लिए जा रहा हूँ। इससे पहले आप भरत मिलाप सुन चुके हैं और सुनिए आगे क्या हुआ है। आरी मेरी मैया सब हमें आ जाइयो भोरी मैया, मेरी जननी सब हमें न आ जाइयो भोरी मैया। ए जया ज्ञानी मैया तुम्हें बुलावे और तिहारे चरणन शीश नवावे, और मुई भूल और ज्ञान बताए जइयो भोरी मैया। मेरी मैया सब हमें कहे जइयो भोरी मैया। आज जो मैया मेरी तू कहिए, अरे भूल री दियो न ज्ञान बताए। अरे भोला सुमरे बटे सुरवारे मठ पे लाल ध्वजा फोराए, बंधो ना दिया दरवाजे पे घंटा घनन घनन घेराए। अरी मात मेरी नहर बारी, अरी हो मैया नहर बारी, पहले मनारा भोरी माई। अरी मात मैंने तेरे ही बलसो दोना सबन मेरी दियो डारे, हाथन कपल लिए ले ले खेके लगे योरी पहली पारी। ए तेरे भवन बनो जानी को, तेरे भवन बनो जानी को, तो पे पूला चढ़ा पे मानी को। अरे मैया जे 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 हो त्रिमूर्ति कैस्ट के माध्यम से मैं रामायण का प्रोग्राम जटा उद्धार सुनाने के लिए जा रहा हूँ। तो सुनिए मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अरे भरत दये जी लौटाई राम हरसाई प्रेम उरछायो भैया, सिंगार सिया को आजो रे प्रभु अपने हाथ बनायो।
के चरण खड़ामू दे करके तो इधर आगे चलने की तैयारी करते हैं। तो आज भगवान माता जानकी का और श्रृंगार अपने हाथ से करते हैं, तो लेकिन हुआ क्या है सुनिए। अरे इंद्र पुत्र बलवान प्रभु नर जान परीक्षा लीनी, सीता के चरण आई के हाय चौच दुष्ट ने दीनी। आज मेरे नौजवान इधर में भगवान श्रृंगार बना रहे हैं और इधर में इंद्र का पुत्र जयंता और वो भगवान की परीक्षा लेना चाहता है, तो सीता जी के चरणों में आकर के उसने चोंच को जो दिया है क्या हुआ। अरे निकरो रुधर क्रोध भय भारी, आज चोंच के लगते ही पग में और खून निकलने लगा है, जो ही भगवान ने देखा तो बड़ा ही क्रोध हुआ और क्या किया उन्होंने। ए निकरो रुधर क्रोध भय भारी, बिना भाल को प्रभु शरमारी। आज बिना फरका बाण और जयंता की ओर छोड़ दिया और जयंता वहां से भागा और पीछे बंधु आज वो बाण चल रहा है, क्या हुआ। अरे तीनों लोक में बुआ फिर आयो भैया, अरे तीनों लोक में बुआ फिर आयो, राम द्रोह बस नहीं ठहरायो। फर का बाण है जयंता के पीछे, जयंता आगे आगे दौड़ा चला, तीनों लोक में घूमा है, लेकिन किसी ने उसे बचाने की हिम्मत यानी कोशिश न की, क्योंकि राम का द्रोही है। और क्या होता है, अरे शिव ब्रह्मा सर कादिक भैया इंद्र आज घबराए, घबराए जब नारद मुनि ने आई के जयंता समझाए। आज नारद मुनि फौरनी प्रकट हुए और जयंता से कहने लगे, कहो कैसे भयभीत नजर आ रहे हो, क्या चक्कर है। महाराज फिर श्री नारद जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। बोले क्यों, हाय हाय देखो ये बिनफर का बाण है मेरे अभी प्राणों को खींच लेता है। सुनो हम आपको बता रहे हैं, आपने परीक्षा तो ली है लेकिन ये बहुत कठिन पड़ी। महाराज राम है विष्णु के अवतार, अब जाओ नी के पास बे ही तेरा कर देंगे उद्धार। नारद मुनि जयंता को समझा देते हैं, अरे तुमने जो परीक्षा ली है उनकी जयंता, ये तुमने बड़ी भूल की है, वो विष्णु के अवतार हैं, अब तो तुम उन्हीं के पास जाइए, वही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। आ लौट करके जयंता त्रह त्रह करके प्रभु के चरणों में जाके गिर पड़े। हाँ हाँ बोले प्रभु क्षमा करो मुझे, मुझसे भूल हो गई। आ राम कहने लगे, हे जयंता मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, लेकिन जो मैंने बाण ये छोड़ा है ये मेरा बाण खाली नहीं जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारी एक चोंच को यानी एक आंख को फोड़ता हूं। तो आज बंधुओं जो बिरफर का बाण था उस बाण से और उस जयंता की चोंच यानी जो आंख थी और वो उससे फूट जाती है, उसी दिन से उसे जयंता यानी कौवा कहा गया है। इधर भगवान वहां से चलते हैं तो क्या हुआ है। अरे कीने चरती अपार फेरी अत्रि के ढिंग आए, ए कीने चरती अपार फेरी अत्रि के
ढिंग आए अनसुईया कोसी ससिया ने जाय कर नवाए आज वहां से भगवान अत्रि के आश्रम में आ जाते हैं। इधर अनसुईया मैया के पास में सीता जी पहुंची हैं तो जाके प्रणाम किया और मस्तक को झुकाया। अनसुईया ने बड़े आदर से आज सीता जी को अपने बराबर में बिठा लिया है। अरे फेरिया बोली रिस रानी हरे सत्यों के मैं धर्म बताऊं सुन सीता वाणी। हे बेटी मैं तुम्हें नारियों के यानी सत्यों के धर्म बता रही हूँ, बड़े गौर से सुनना। आज सीता जी को नौ प्रकार की भक्ति कैसे बताई उन्होंने भैया। अरे सुनो ये नौ भक्ति होती अब पति परमेश्वर जान उसी की मुक्ति तब होती। जो नारी अपने पति को परमेश्वर के समान मानती है और से नियम चेम करती है वो स्त्री और उसकी मुक्ति इस प्रकार से हो पाती है। और सुनो बेटी अरे सती को नियम बतायो है अब अनसुईया को ज्ञान सिया के मन में भायो है। आज सीता जी प्रसन्न होकर के सुन रही हैं और उस ज्ञान चर्चा को अपने दिल में समाती जा रही हैं। इधर में अनसुईया बता रहे और बोली है बेटी सुनो हरे नेम जो अपने नारे खोती पति से करती कपट नारे बुआ चमका दरे होती। हे सीता बेटी जो स्त्री अपने पति से कपट करती है वो अगले जन्म में चमकादर होती है जो वृक्ष पर उंटी लटकती रहती है। और क्या अरे प्रिया जो घर घर में फिरती हाय प्रिया जो घर घर में फिरती हाय दूजे जन्म में कुतिया बन के नरक बीच परती। हे बेटी यदि जो त्रिया घर घर में जो उसका नियम है रोजी न फिरने का कबू जाको दही चाक कबू बाकी रोटी कबू बाको साग चाक वो अगले जन्म में कुतिया बनती है और नरक के बीच भोगती है वो। इस प्रकार से आज अनसुईया और सत्यों का धर्म सीता जी को समझा देती हैं। इधर आगे क्या हुआ भैया सुनो सब मुनियों से मिले प्रभु पंच बटी गए आए सुपर खावा आए कैसो देखे निगाह घुमाए। पंचवटी पर भगवान ने जब आके निवास किया है रावण की बहन सुपर्णखा एक दिन वहां घूमने के लिए आई। आज दोनों भाइयों की मूरत को देख करके वो सुपर्णखा आज मोहित हो जाती है। और हुआ क्या है भैया सुनो अरे सुपर्णखा मन हर साई लियो सुंदर भेष बनाई रघुवर से कहे मुसिकाई के संग लीजे ब्याह हो रचाई के। आज भगवान के पास पहुंच जाती है सुंदर भेष बनाकर के सुपर्णखा मुस्करा के बोलिए इधर आओ ना आज भगवान आए हैं। बोले आप क्या कहना चाहती हो सुंदरी आप ऐसा है आप कहाँ के रहने वाले हो अरे आपको कोई काम है क्या तो हमसे पूछ रही हो। अरे काम है जब भी तो हम आपसे पूछ रही हैं तुम हमारे संग शादी कर लो ना। शादी आज भगवान मुस्कराने लगे हैं। और हुआ क्या भैया सुपन का मन हर साई लियो सुंदर भेष बनाई रघुवर से कह मुसिकाए के
संगली दे ब्याह रचाए के और कहने लगी सुनिए ए जी एक बार हमारी तरफ निगाह उठाकर तो देखिए इधर में सीता जी बैठी हुई है भगवान मुस्कुरा के देख रहे और क्या बोली है सुपरखा अरे तुम सम पुरसन मो सम नारी विधने मेला मिलायो हे तुम सम पुरसन मो सम नारी विधने मेला मिलायो हे और सुनो हाय समझ सोच ले अपने मन में समय नयो अब आयो के इस समय हुए बहुत भलाई लयो सुंदर भेष बनाई रघुवर से कह मुझसे क्या के संगली जे ब्याह रचाए के एक बार तुम हमसे शादी कर लो ना ये कौन है तुम्हारे साथ में इससे भूल जाओ छोड़ दो ना इन्हें त्याग दो भगवान कहने लगे सुनो ये सुंदरी बोले राम संग है नारी ना है मेलो हमारो है अरे ओ सुंदरी हमारा तो विवाह हो चुका है ये हमारी धर्म पत्नी है बोले राम संग है नारी ना है मेलो हमारो खे लखन लाल के जाओ पास में बन जाए काम तुम्हारो खे सुनो देखो वो जो खड़े हैं वो हमारे भाई हैं उनके पास चले जाओ या तुम्हारी बात वो स्वीकार कर ले तो तुम्हारा काम बन जाएगा आहा क्या हुआ बोलेंगे ब्याह रचाई लयो सुंदर भेष बनाई रघुवर से कह मुसी क्या के संगली दे ब्याह रचाए के सुपरखा लक्ष्मण जी के पास आए बोले लक्ष्मण जी एक नजर से देख लेते हैं बोले क्या बात है ए सुंदरी बोले इधर आओ ना हमसे निगाह तो मिलाओ लक्ष्मण जी बोले दूर खड़े हो जाओ दूर हमसे दूर दूर ये कैसे मेल मिल सकता है जब दूर खड़े करने को आप हमसे कह रहे हैं तुम्हारा मतलब क्या है सुनो सुपरखा लक्ष्मण ढंग आई ब्याह कर ले ओ संग हमारो के अच्छा तो ये मतलब है तुम्हारा हमसे शादी करना चाहती हो हाँ हाँ एक बार कर लो ना सुपरखा लक्ष्मण ढंग आई ब्याह कर ले ओ संग हमारो के लक्ष्मण जी बोले सुंदरी सुनो ना मैं ब्याह करूं तेरे संग में अरे ना तेरा हो ये गुजारो खे क्यों कि हम तो अपने भैया के सेवक हैं और हमारे संग तुम्हें ब्याह करके सुख नहीं मिल सकता है इसलिए हम शादी तुमसे नहीं करेंगे लौट जाइए आहा सुपन खा जब खिसियाई लयो भयंकर भेष बनाई रघुवर से कह मुझसे क्या के संगली जे ब्याह रचाए के एकदम से सुपर था कभी इधर गई कभी उधर गई तो एकदम से खिसे आ जाती हो तो भयंकर भेष बना करके आए है क्या किया
अरे रूप भयंकर धरो नारे ने सीता को मारन धारी। रूप भयंकर धरो नारे ने सीता को मारन धारी। एकदम से जैसे ही सीता की ओर झपटी है तो भगवान ने इशारा किया क्या, दयो इशारो लखन लाल से हाय नाक कान काटो भाई। दौड़ करके क्या किया भैया, सुपन खाकु रूप बनाई, लयो भयंकर वेश बनाई, रघुबर से कह मुसिकाय के संग दीजिए ब्याहु रचाय के। आज मेरे नौजवानों, तो बंधुओं सुपर खा यहां रोती चिल्लाती अपने भैया खरदूषण के पास पहुंच जाती है और जाकर के यार रोने लगी है, बोले भैया भैया ओ भैया, भैया तुम कहां हो भैया। आज एकदम से खरदूषण सामने आए, ए खरदूषण ऋषि आई बहन ढिंग जाई को न कर बोले। ए बहना और ये किसने हालत कारी रीना मुखते हाय तू बोले। जल्दी से बताओ ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की है, वो हमारे हाथों से जिंदा नहीं बच पाएगा। बोले भैया भैया देखो ये तुम्हारी बहन की कैसी बुरी दशा बनाई है, अरे एक बार बता दो देवो कौन है। मान ये कही मेरी मान शास्त्र को झेले शास्त्र को झेले, तेरी किनी बहना आजू रे किसी समोती हाय झेले। अरे ओ बहना मुझे जल्दी से बता दे, समझ ले उसका काल शीश पर खेल रहा है और मेरे शस्त्र कौन झेल सकता है। बोले भैया सुनो, अरे रोए रोए सुपन खा कह बानी। ओ भैया रोए रोए सुपन खा कह बानी, वो तपसी एक सुंदर रानी। भैया दो तपसी हैं और उनके साथ में बहुत ही सुंदर नारी है। अरे पंचवटी में घूमन आई, अरे पंचवटी में तो घूमन आई, अरे उन्होंने नकटी दई तो बनाई। आज जो सुपर खाने कहा कि भैया मैं घूमती हुई पंचवटी पर पहुंची और पंचवटी पे जो मैंने देखा उनको और उन्होंने मुझको देखा, तो उनके साथ में जो छोटा तपसी है उसने मेरी ये दुर्दशा की है भैया। बोले अच्छा अब तो सुन बहना के वचन भ्रातने से न सजाई है, अब तो सुने बहना के वचन भ्रातने से न सजाई है, अरे से न सजाई है भ्रातने से न सजाई है। अब तो वो भैया अरे वीरन सुने बहना के वचन भ्रातने से न सजाई है। खरदूषण सेना को सजा करके चले हैं और क्या हुआ है, अरे खरदूषण त्रसुरा भी
खाए खरदूषण प्रसुरा भी आए 14,000 संग से न लाए। लेकिन बंधुओ आगे कर लई नकती बहने आया है, असगुन तो नहीं थी है समझ लो। आगे कर लई नकती बहन भ्रातने से न सजाई है, हाय देखो सुन बहना के बेन भैया ने से न सजाई है। आज मेरे नौजवान उस प्रकाश 14,000 सेना को लेकर के खरदूषण वहां से चले हैं सुपर्णा के साथ में। और क्या हुआ है इधर में, जब भगवान को मालूम पड़ जाता है कि राक्षसों का दल आ रहा है तो पंचवटी पर आज सीता जी से किस प्रकार से समझाते और क्या कहने लगे हैं। माया धर भगवान सिया समझाई, तुम करो अग्नि में बासु असुर रहे आई। सीते तुम अग्नि में बासा लो क्योंकि यहाँ राक्षसों का दल आ रहा है। और क्या हुआ भैया, आज मेरे नौजवान इस प्रकार से सीता जी अग्नि में बासा ले जाती हैं। और क्या हुआ है, खरदूषण श्री राम से घोर हुआ संग्राम, एक बाण दोनों हरे सो भेजे अपने धाम। एक ही बाण से भगवान ने माया फेरी, खरदूषण का वध कर दिया, अपने धाम भेज दिया है। इधर क्या हुआ है मेरे नौजवानों, वहां से ये दशा देख करके सुपर्णखा रोती हुई अपने भैया रावण के दरबार में पहुंची। बोले भैया, ए भैया भैया तुम क्या कर रहे भैया। रावण की सेना आहा, यानी सभा में रावण बैठे हुए थे अपनी बहना को देख करके। बोले सुपर्णखा ये दशा तुम्हारी भैया। अरे कहे सुपन खा बानी भैया जी सुनियो चित लाए। ओ भैया बचा लो ना, देखो अपनी बहन की दशा ये कैसी है, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। अरे कहो तो सही। हाय कहे सुपन खा बानी भैया सुनो जी चित लाए। बोले तुम्हारी दशा कैसे हुई है। सुपर्णखा कहने लगी भैया सुनो गौर से, अरे घूमत पंचवटी पे आई, घूमत पंचवटी पे आई, भ्राता दो तब से पड़े लखाई। हे भैया पंचवटी पे मैं गई थी तो वहाँ दो तपसी हैं आए हुए हैं, न जाने ये पता नहीं कहाँ की। और सुनो, अरे संग में सुंदर रानी भैया सुनो जी जीत लाए। फिर क्या हुआ बहना, अरे नायक तुम्हें है बोली चाली मेरी ये हालत
तकरी डारी वे भैया। अरे बिगड़ गई है जिंदगानी भैया, सुनो जी जीत लाए। आज मेरे नौजवान इस प्रकार से जब सुपर्ण खाने कहा, रावण एकदम से गद्दी से खड़े हुआ। अरे बहन, जब तू पंचवटी पे गई थी उन्होंने ये दशा तेरी कर दी, तो क्या तूने खरदूषण से नहीं कहा था? भैया मैं वहां से लौट करके खरदूषण भैया के पास गई थी, तो अपनी 14,000 सेना सजा करके आए, लेकिन उन्होंने उनको खत्म कर दिया। भैया जब मुझे यहाँ आना पड़ा है। सुपर खा के सुन बचन, दस कंदर यकुलाई, अनुज बचन ममो याद कर, सु बोली उठा चिल्लाए। आज एकदम से रावण को सोच हुआ और कौन सा ध्यान किया है। भुजा उठाई कहे जी दस सीसा, करने लगा कि इस पृथ्वी पर ऐसा कौन वीर हो गया जो कि आज खरदूषण जैसे भैया का वध किया, लेकिन उनका वध कर दिया है। अरे 20 भुजा 10 शीश हैं, मेरे बराबरी का समय पर कोई वीर नहीं है। और क्या खरदूषण मौसम बलवंता, मार को सके बिना भगवंता। आज सोचने लगे हैं, मालूम होता है कहीं पारब्रह्म परमेश्वर ने अवतार तो नहीं ले लिया, और सिवाय उनके खरदूषण को कोई नहीं मार सकता क्योंकि मेरे समान बलवान है। यदि उन्होंने अवतार ले ही लिया है तो कौन सा प्रण किया उसने। जो भगवान ली न हो अवतारा, भगवान ली न हो अवतारा, हाय पार ब्रह्म भंजन महिभारा। एक तो हट पैर करू मैं जाई, हाय तो हट पैर करू मैं जाई, देखू समर भूमि दो भाई। आज इस प्रकार से रावण मता कमा करके मेरे नौजवानों, और वहां से चलता है, बोले बहन तू चिंता मत करे जाओ, और मैं देखता हूं वो कैसे बलशाली है। अरे चल दिनों 10 शीश, हाँ चल दिनों 10 शीश, जहां मारी छे तो समझ आयो। आज अपने मामा मारीच के पास पहुंच जाते हैं और कहने लगे, हे मामा मारीच सुनो, सोने का मृग तुम बन करके हे पंचवटी पे जाओ, भांजी कैसे पे तुम मुझे सोने का मृग बना करके यानी पंचवटी पे भेज रहे हो। बोले मामा बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है,
अरे पंचवटी पे दो तपसी आए हैं, उनके साथ में बहुत ही सुंदर नारी है और हमारी बहन सुपरखा की उन्होंने नाक और कान दोनों काट लिए हैं, इसलिए तुम सोने का मृग बन के जाओ। और सुनो, आए तपस्ने देव बहका ये काम बन जाए के जोगी बने आऊं, जोगिनी की सुंदर नारी को मैं हर के वहां से लाऊं। आज इस प्रकार से रावण कहने लगा है कि हे मामा, आप यदि वहां जाकर के और किसी भी तौर से उन्हें बहका करके जंगल में ले जाओ, वहां उनकी नारी है, वो वहां रह जाएगी अकेली, तो वहां से मैं जोगी का भेष बना करके उसका हरण कर लेके आ जाऊंगा। बोले ये तुम्हारा विचार है, सुनो जब खरदूसर के बारे में बताया उन्होंने तो आज मारी समझाने लगा है, पर क्या बोले भैया, अरे तब मारी चब होत समझावे। ओ लाला रावण मान जाओ हमारा कहा, ए तब मारी चब होत समझावे, क्यों ना हका मेरे पैरु बढ़ावे। अरे ऐसी क्या बात है, तुम्हें क्या नजर आ रहा है। बोले लाला, बेतपसी प्रभु के अवतारी, ए बेतपसी प्रभु के अवतारी, उनसे पेश न चले तुम्हारी, जो उन्होंने कहा है मारीच ने, तो एकदम से रावण को क्रोध हुआ, अरे मामा तुम हमें बहका रहे हो, ये बात नहीं है, कोई भी हो जो मैं कह रहा हूं उसे सुनिए। मारीच सोचने लगे, यदि मैं नहीं जाता हूं तो ये भी मुझे मार देगा, इसलिए तो अब जाना ही अच्छा है। क्यों, रावण की हटो देख के सोचो भाइयो मन में, अरे तब मारी चब होत समझावे। ओ लाला रावण मान जाओ हमारा कहा, ए तब मारी चब होत समझावे, क्यों ना हका मेरे पैरु बढ़ावे। अरे ऐसी क्या बात है, तुम्हें क्या नजर आ रहा है। बोले लाला, बेतपसी प्रभु के अवतारी, ए बेतपसी प्रभु के अवतारी, उनसे पेश न चले तुम्हारी। जो उन्होंने कहा है मारीच ने, तो एकदम से रावण को क्रोध हुआ, अरे मामा तुम हमें बहका रहे हो, ये बात नहीं है, कोई भी हो जो मैं कह रहा हूं उसे सुनिए। मारीच सोचने लगे, यदि मैं नहीं जाता हूं तो ये भी मुझे मार देगा, इसलिए तो अब जाना ही अच्छा है। क्यों, रावण की हटो देख के सोचो भाइयो मन में, भायो मन में, जो मरो प्रभु के हाथ रे जाऊं सोलापुर में। अरे ये अन्याय, यदि मैं इसका कहा ना करता हूं तो ये मुझे जरूर मार देगा, इससे तो मैं उन्हीं के हाथ क्यों ना मरूं जिससे मेरा उद्धार तो भी हो जाएगा। आहा क्या हुआ भैया, महाराज गयो वो मृगा को रूप बनाए, सुंदर देखो हिरन सिया प्रभु को हाय रही सुनाई,
सोने का मृग बन करके मारीच पंचवटी में घूमने लगा है। इधर सीता जी बैठी हैं, भगवान बराबर में खड़े हैं, लक्ष्मण जी पहरा लगा रहे हैं। जो ही सोने का मृग देखा है आज क्या बोली है, ए प्रभु देखो वो सामने मृगा कितना सुंदर है। अरे प्रभु जा मृग को लइयो मारी, हे स्वामी जा मृग को लइयो मारी, सियाने बचन सुनायो है। ए प्रभु जा मृग को लइयो मारी, सियाने बचन सुनायो है। इसकी हुए सुंदर मृग छाला, इसकी हुए सुंदर मृग छाला, मार के लियो न कदी न दयाला। अरे विनती कर रही बारंबार, सियाने बचन सुनायो है। प्रभु जा मृग को लइयो मार, सियाने बचन सुनायो है। आज बंदो भगवान भी चकित हो जाते हैं, क्योंकि सोने का मृग देख करके और खड़े हुए। बोले स्वामी जल्दी करो, नहीं तो ये भाग जाएगा। इसकी मृगछाला कितनी सुंदर होगी, जिस पर मैं बैठ करके आपके गुणगान करती रहूंगी। और क्या मृग मारने रघुवर रह जाई, मृग मारने रघुवर रह जाई, लखन लाल को रह समझाई। आज भगवान धनुष्मान देकर के सीता के कहने अनुसार और मृग को मारने के लिए जब चले हैं, तो लक्ष्मण जी को पास बुला, बोले भैया देखो मैं मृग को मारने के लिए जा रहा हूं, लेकिन सुनो। अरे भैया रहना तुम होशियार, सियाने बचन सुनायो के। भैया लक्ष्मण को राज समझा करके आगे बढ़े, बोले भैया निशाचर माया है, जानी नहीं जाती, चौकस रहना मेरे वीर में, मृगा को मारने के लिए जा रहा हूँ। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया जैसी आपकी आज्ञा, आप हमारे होते हुए चिंता मत करो, जो भाभी ने कहा है उसे काम को कीजिए। आज भगवान मृगा के पीछे तो मामा मारिच माया भी था। एक कब वो छिपे कब वो दिख जावे, लागी छलांग बंदो। एक कब वो छिपे कब वो दिख जावे, दिक्कत बनी में भैया भागत जावे। आज मेरे नौजवानों, यारी भगवान को चकमा लगाते लगाते और बियाबान जंगल में बहुत दूर ले जाता है। ए तक के बानर राम ने मारा, हाँ तक के बानर राम ने मारा, गिरा मही पर घोर चिंगारा। और क्या, अरे लक्ष्मण कह के रहो पुकार, सियाने बचन सुनायो के। आज मेरे नौजवानों, जैसे ही प्रभु ने बाण को दिया है, जो मामा मारिच में जाके लगा है, एकदम से भैया लक्ष्मण सहायता करो भैया, इतनी आवाज जो सीता जी के कानों तक पहुंची है। क्या हुआ है ए लक्ष्मण, अभी आपने कुछ सुना? हाँ भाभी सुना तो मैंने जरूर है, लेकिन मालूम नहीं ये
किसकी आवाज है? हाय विधाता क्या हुआ, संकट प्रभु पर है देवर, हे लखन आवाज की जल्दी से लइयो तुम खबर। हे लक्ष्मण, मुझे स्वामी की आवाज मालूम पड़ रही है, आप इस आवाज के हाय खबर जल्दी से मेरे पास लेके आओ, जाओ ना। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे माँ सुनो, भानु शीतल शिशु तपे, चाहे गाय सिंह केसर चढ़े, बोले लखन श्री राम पर सपने में संकट ना पड़े। अरे भाभी क्यों पागल हो रही हो, ये निशाचर की माया है, जाने नहीं जाती। अरे उन भगवान पर सपनों में संकट नहीं आने का जो इतने शब्द सुने हैं। सीता जी कहने लगी हैं, अब हमने जानी लखन प्यारे मन की बात, हमें तुम्हारे हृदय में सचमुच कपट दिखात। अरे लक्ष्मण जी अब मैं तुम्हारी बात को समझ गई, क्यों कि तुम्हारे दिल में पाप है। एकदम से जो इतने शब्द कहे, नहीं माँ ये शब्द मुझे क्या सुना रही हो। हे माता मेरी धर्म की, सर्वचन के मारो मती, झुक झुक न बाऊं शीश माँ, भव सिंधु में डारो मती, मैया रेखा ये खींची अग्नि की। सुनो गौर से, रेखा खींची अग्नि की, बाहर कदम धरियो मती, निश्चर है भारी विपन में, काऊ के छल में परियो मती। लो तुम कहती हो तो मैं जाता हूँ, लेकिन ये जो मैंने रेखा खींची है अग्नि की, इसके बाहर कदम मत रखना, तुम किसी के छल फरे में मत आ जाना माँ। आज ये कह करके लक्ष्मण जी यार रवाने होते हैं जंगल में। इधर क्या हुआ भैया? अरे रावण जोगी भेष बनायो भैया रामवीर, और पंचवटी पे अलख जगायो, हाय कहने लगो पुकार रे, हम जोगी अलमस्त मातन कभिचा दी जो डार रे। आज मेरे नौजवान इधर से रावण जोगी का भेष बना करके पंचवटी पे आके अलग जगाता है और भिक्षा मांगने लगा है। अरे थार सजा करो सीता लाई, अब दीनों हाथ बढ़ाई है, ए थार सजा करो सीता लाई, दीनों हाथ बढ़ाई है, रावण बड़ियांगे कूदायो अग्नि रेख लहराई है। आज सीता जी जो थाल सजा करके भिष्या का लेके आई हैं, उन्होंने रेखा के अंदर से ही हाथ को बढ़ाया, रावण आगे को बढ़ा है, एकदम से उस रेखा में से अग्नि लहराई। हाय हाय क्या हुआ भैया? अब अलग रेखा रावण घबरायो, और सीता से फिर वचन सुनायो, माँ कुछ तो करो विचार रे, हम जोगी अलमस्त मातन कभी त्यागी जो दारी रे।
श्यामल कहे माँ अरे बंधी अग्नि की भिक्षा है ये कभी न जोगी पाते ही कभी न जोगी पाते ही अग्नि से बाहर भिक्षा दे दो नहीं तो जोगी जाते ही। आज इतने शब्द सुने हैं सीता जी मन ही मन संकोच जाती हैं। बोले यदि मैं देवर की आन को तोड़ती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा और इधर मैं इस जोगी को भिक्षा नहीं देती हूँ तो अभी मेरे लिए मरना है। इसलिए देवर की आन रहे न रहे लेकिन पतिव्रत धर्म को मैं जरूर निभाऊंगी। जो ही उन्होंने बाहर कदम रखा आहा क्या हुआ भैया। अरे सीता जब बाहर को आई है रावण ने लई अधर उठाई। गजब है गो भैया। अब रथ में लई बिठार रे हम जोगी अलम समातन कभिचा दीजो डारे रे। अरे रावण जोगी भेष बनायो हे पंचवटी पे अलख जगायो अब कहने लगो पुकार रे हम जोगी अलम समातन कभिचा दीजे डार रे। आज मेरे नौजवानों जैसे ही सीता जी ने बाहर कदम रखा है एकदम से रावण ने वो असली भेष था वही धारण किया और जोगी भेष को दूर फेंक दिया। एकदम से सीता जी को गोदी में उठा लेता है एकदम घबरा गई। हाय राम हाय लक्ष्मण तुम कहाँ हो लक्ष्मण। अरे सीता पंचवटी पे रोवे लक्ष्मण राम राम राम। लक्ष्मण ये क्या हुआ लक्ष्मण मैंने आपकी बात का उल्लंघन कर दिया उसका मुझे नीचा देखना पड़ा। सीता पंचवटी पर रोवे लक्ष्मण राम राम राम। लक्ष्मण हे स्वामी आज तुम्हारी अधंगिनी ये रावण दुष्ट मुझे लिए जाता है अपना कोई नजर नहीं आता अपना कोई नजर नहीं आता रावण दुष्ट लिए मोई जाता। बंधुओं सीता जी रोती हुई जा रही हैं रावण लिए जा रहा है तब तक आहा जटायु
गिद्ध जटाऊ वहां आकर के आज रावण का रास्ता रोक लेता है और क्या हुआ है? अरे गिद्ध जटाऊ ने रथ की कील कील कर डारी, गिद्ध जटाऊ ने रथ की कील कील कर डारी। आज एकदम से जटाऊ ने आकर के रावण को ललकारा, अरे दुष्रावण धिक्कार है तेरे जीवन के लिए, पर नारी का हरण करके ले जा रहा है, शरम आनी चाहिए तुझे। और क्या हुआ? ए मारी चोट दोस्त घबरायो, रावण को जब धरन गिरायो, हे बाबल दाई ने रथ की कील कील कर डारी, कील जटाऊ ने रथ की कील कील कर डारी। आज जो ही रावण एकदम से मूर्छा में छा जाते हैं और बुरी तरीका से आज गीद ने घायल कर दिया जटाऊ ने, सीता जी को एक वृक्ष की ओट से खड़ा कर देता है और फिर आए जब तक रावण को होश आ गया। और क्या हुआ भैया? एकदम से तेगा लेकर के रावण ने दो पर काट धरन पे डारो, एक दो पर काट धरन पे डारो, सीता को दुष्ट सिधारो, हाय सीता माई ने दिने कुंडल धरन पे डारी, गीद जटाऊ ने रथ के कील कील कर डारी। इस प्रकार से आज सीता जी का हरण करके और जटाऊ को मूर्छित करके वहां से और रावण चला जाता है। इधर में लक्ष्मण जी जो ही राम के पास पहुंचे तो राम कहने लगे, भैया लक्ष्मण ये क्या किया आपने? सीता कहा कि भैया कुटिया पहन, और उनके कट वचन सुन करके और मुझे तुम्हारे पास आना हो पड़ा भैया। अरे भैया तुमने ये गजब कर दिया, आज दौड़ करके बंधुओं कुटिया पे दोनों भाई आए हैं। तो सीता जी न देखी पंचवटी पर, एकदम से भगवान पछार खा के गिर पड़े, बोल भैया लक्ष्मण ये क्या हुआ भैया? अरे कहाँ गई जनक दुलारी, हो कहाँ गई जनक दुलारी, भैया बताइयो ने कमो। भैया मैंने तुमको बहुत समझाया लेकिन यार तुम छोड़ करके सीता को अकेले और मेरे पास रवाना हुए। ओ लक्ष्मण मैंने बहुत समझायो, ओ भैया इकली छोड़ कुटी पे धायो, इकली छोड़ कुटी पे आयो, ओ भैया आए पिरन तेन नाई बिचारी, भैया बताइयो ने कमोहे। सीते तुम कहाँ हो सीते? भगवान रोते हुए आगे बढ़े हैं और पूछने लगे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, अरे राम यो कहे पुकारी, भैया बताइयो ने कमोहे। ओ भैया लक्ष्मण, भैया सीता कहाँ है भैया? अरे पूछत जाए सोचियो रचायो, आज चले जा रहे। और क्या हुआ भैया?
आए आगे गीत जटायु पायो हाय बिगारी कोने दशा तुम्हारी भैया बतइयो ने कमोई आज मेरे नौजवान इस प्रकार से आज भगवान रोते हुए आगे बढ़े हैं तो आगे देखा हाय राम करते हुए गीत जटाहू जो मिले हैं आज भगवान ने झपट के हाय हाय अपनी बाहों में भर लिया और क्या हुआ है ए बहे खून की धारा रे हो सोनाए तन में भगवान अपनी बाहों में भर के हाथों से हाय हाय उसकी पीठ को झराने लगे और पूछ रहे महाराज प्रभु जब कहना लगे समझ आए अब किसने करिए नशा क्या तेरी न कदियो भेद बताए जटाओ से पूछा है भगवान ने तो एकदम से जटाओ पता देने लगे प्रभु यहाँ लंका का रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा था उसने मेरे ये दशा बिगाड़ दी क्योंकि मैंने उसका रास्ता रोका था प्रभु और वो दक्षिण की दिशा की ओर चला गया है आज भगवान गले से लगा करके क्या किया भैया अरे सीता ले दक्षिण दिशा धायो ने पतो बतायो एक करिए सने हकंठ बतायो एक करिए सने हकंठ बतायो हाय करियो धारण ज धाम पठायो आज मेरे नौजवान इस प्रकार से यहाँ जटायु उद्धार त्रिमूर्ति कैस्ट के माध्यम से मैं आपको सुना चुका हूं बोलो श्री रामचंद्र भगवान की आएंगे सही बताओ हाँ हाँ अभी छोटी हूँ बालम ओहो अभी छोटी हूँ बालम जवान होने दे अभी छोटी हूँ बालम जवान होने दे अभी छोटी हूँ बालम जवान होने दे अबे ती नन्ही नहीं हो देखें नन्ही हो मगर लीलन धन्नी हो कैसेट्स एवं वीसीडीज केवल त्रिमूर्ति कैसेट्स पर उपलब्ध